मुकर गया वनराज शाह। समर का पिता अब समर को नहीं दिलवाएगा इंसाफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वनराज शाह भी इस केस से मुकर जाएगा, मगर हम लोगों ने देखा कितने जोश से वनराज शाह इस केस के लिए लड़ रहा था और पागल तक हो गया। और जब वनराज शाह वापिस आया उसी डायलॉग के साथ कि वनराज शाह इज बैक, तो सब कुछ वापिस आ गया वनराज शाह का, वो प्रैक्टिकलिटी भी वापिस आ गई। चलिए बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज शाह इज बैक वाले डायलॉग को अनुपमा ने वनराज शाह को ठीक करने के लिए बुलवाया, मगर अब यही डायलॉग जो वनराज शाह के लिए बड़ा डायलॉग था बोला गया और वनराज शाह पूरा का पूरा वापिस आ गया और ये अनुपमा के लिए महंगा पड़ गया। यानी कि समर के इंसाफ की लड़ाई के लिए जो अनुपमा लड़ रही थी अपने अनुज के साथ मिलके, अब उसमें जिस गवाह ने इतने जोश के साथ गवाही दी थी और पीछे ना हटने की कसम खाई थी कि मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलवा के रहूंगा, वही अब पीछे हटेगा। दोस्तों आज की कड़ी में यह साफ साफ दिखाया गया है, जिस तरह घर के ऊपर हमला हुआ, आज गन नकली थी असली भी हो सकती थी ये वनराज शाह ने सोचा, मगर इन सब चीजों की तो एक्सपेक्टेशन थी कि सुरेश राठौर किसी भी लेवल पे जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो केंजल ने कहा वो सही था, जो बा ने कहा वो सही था। यही तो केंजल कह रही थी तोशु को कि ये गोलियों की लड़ाई है, ये वैसी लड़ाई नहीं है जो पहले डिम्पी के टाइम पे हुई थी। अब कोई किसी को गोली मार देगा तो फिर हम करेंगे क्या? अपनी जगह पे ये लोग भी सही हैं भाई, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लोग ऐसे ही सोचते हैं। मगर उन सब इमोशंस का क्या जो वनराज शाह इतने दिनों से दिखा रहा था? क्या तब वनराज शाह को ये नहीं पता था जब ताली बजा बजा के पाखी को और फिर अपने क्या नाम है तोशु को कह रहा था कि तुम लोगों ने बहुत बुरा किया? तो ये जो इमोशंस है ये आगे तक सोचने वाले होते हैं, जैसे अनुपमा अनुज ने आगे तक सोचा हुआ है कि क्या क्या हो सकता है, मगर हम लड़ेंगे। डिम्पी के टाइम पे भी कितने हमले हुए अनुपमा पे, मगर अनुपमा पीछे नहीं हटी और कभी हटती नहीं है पीछे। इंसाफ की लड़ाई चाहे डिम्पी की हो, चाहे समर की हो, चाहे किसी और की हो, वो आगे बढ़ के ही लड़ती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कोई भी नहीं लड़ेगा। अगर हर कोई ये सोच के बैठ जाएगा अपने घर के अंदर कि मैं नहीं कर सकता भाई, ये मेरी लड़ाई नहीं है, तो जब वो उसकी लड़ाई होगी तो उसके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। बहुत अच्छा मैसेज था। आप किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कीजिए लड़ाई में, आप किसी भी तरह इंसाफ की लड़ाई में अपना रोल प्ले कीजिए, मगर पीछे मत हटिए, प्रिकॉशंस लीजिए, अपना बचाव कीजिए। मगर यहां पे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि जब अनुपमा ने वनराज शाह को कहा था कि केस हम दोनों देख लेंगे, आप सिर्फ अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, ये डायलॉग भी उसके फेवर में ही चला जाएगा। वो कह सकता है कि तुम दोनों देखो केस, मेरी गवाही तो वैसे भी वो ले नहीं रहे, मैं पागल हो गया हूं, ये सब चीजें अपने लॉजिक में लेके आ सकता है। मगर अंदर से ये चीज क्लियरली दिख गई है कि वनराज शाह अब मुकर जाएगा, अब वो अपनी गवाही वापिस ले लेगा कि मैं अपने जो परिवार है, जैसे वो लेके गया अपने परिवार को ऐसे करके बाहों में लेके, अपने बापूजी, अपनी बा, अपने दोनों प्रेग्नेंट एक बहू एक पत्नी, उनको घर के अंदर लेके गया कि घर के अंदर चलो, और फिर उसने ये सोचा कि ये गोली असली भी हो सकती थी, और अगर मुझे कुछ हो गया तो इन सब का क्या होगा? तो ये फेयर के साथ वो अंदर गया है, इसका साफ साफ मतलब है कि वनराज शाह अब मुकर गया है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।